सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स में से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज का जो प्रोजेक्ट है 166 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है 20x75 के डायमेंशन में। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्पेशियस आज का प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये जो विला है 3 BHK विला है, साथ ही में इसमें आपको बड़े बड़े साइज के बेडरूम्स मिलने वाले हैं और काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपको इस घर में मिलने वाला है, जो कि आगे चल के हम वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम इस प्रोजेक्ट का प्राइस जरूर मेंशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन पे और देखते हैं इसका एलिवेशन वर्क। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, इस विला का जो एलिवेशन वर्क है काफी खूबसूरत डिजाइन किया गया है। वॉल्स पे आप देखेंगे टेक्सचर वर्क किया गया है, साथ ही में कुछ आयरन वर्क आपको मिल जाता है। इसी के साथ में इस विला के साइज की बात करूं, 166 स्क्वायर यार्ड में बना है 20x75 के डायमेंशन में। तो 20 का वाइड फ्रंट आपको इसके अंदर मिल जाता है। बाहर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बम एरिया मिल जाता है, तो इजीली आपके दो कार यहाँ पर पार्क हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको हैवी आयरन डोर मिल जाता है, जो कि आपकी एंट्रेंस हो जाती है। इस पर बीच में टफन ग्लास का भी यूज़ किया गया है। साथ ही आपको दो एंट्रेंस यहाँ पे मिल जाती है, इजीली आपकी कार वहाँ से पार्क हो जाएगी। विला के बिल्कुल सामने आपको मिल जाती है 30 फीट वाइड फ्रंट रोड। इसी के साथ दोस्तों, लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। लोकेशन इसकी रहेगी गिरिराज विहार में, नियर शेल्वी हॉस्पिटल के, वैशाली वेस्ट में ये लोकेटेड है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन रहेगी, प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ ही में जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, JDA अप्रूव्ड रहेगा। और फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट फेसिंग का हमारा विला रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पोर्च एरिया है काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाता है। इसके साइज की मैं बात करूँ तो 20x17 के डायमेंशन में आपका पोर्च एरिया हो जाता है। इजीली दो कार आपकी पार्क हो सकती है। वाटर टैंक की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ इस विला में दोस्तों हमें मिल जाती है दो मेन एंट्रेंस। एक एंट्रेंस आपकी ड्राइंग स्पेस से हो जाती है और ये आपकी मेन एंट्रेंस हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं इस सेपरेट एंट्री से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी एंट्रेंस हो जाती है और यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है जहाँ पे ग्लास वर्क रहेगा और अंदर से आपको इसमें आयरन वर्क भी मिल जाता है। एंटर करते ही आप देखेंगे वुडन हैवी डोर आपको मिल जाएगा कुछ सनमाइका वर्क के साथ में। तो यहाँ से एंटर करते ही आपको मिल जाता है स्पेशियस ड्राइंग एरिया। इसका वर्क आप देखिए, बहुत ही प्यारा इंटीरियर वर्क इसमें आपको मिल जाएगा। 13x13 के डायमेंशन में रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक वर्क किया है। ऐसा वर्क आपने अभी तक किसी ड्राइंग रूम में नहीं देखा होगा। वॉल्स पर आप देखिए कुशन वर्क किया है गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ में, तो बहुत ही प्यारा वर्क रहेगा। साथ ही साथ इसका सीलिंग डिजाइन आप देखिए 3D लुक के साथ में रहेगा, थीम लाइट के साथ में। और बीच में आपको मिल जाता है एक फैंसी लैम्प। AC के लिए आपको यहाँ पर फिटिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एंटरटेनमेंट के पर्पज से LED स्पेस, जो कि वुडन वर्क के साथ और सनमाइका वर्क में रहेगा। नीचे प्रॉपर स्टोरेज आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आप देखिए पार्टीशन आपको मिल जाएगा, जो कि वुडन पार्टीशन रहेगा आपके लिविंग डाइनिंग एरिया से ड्राइंग स्पेस के बीच में। तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ऊपर से आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है। यहाँ से हम एंटर करते हैं हमारे लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा डाइनिंग स्पेस। आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस एरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 20x22 के डायमेंशन में हो जाता है ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर हो जाती है आपकी डाइनिंग टेबल, 6-सीटर डाइनिंग टेबल आपकी हो जाएगी। मार्बल की आपकी डाइनिंग टेबल रहेगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ में। इसके जस्ट ऊपर आप देखें यहाँ पर आपको क्रिस्टल चैंडलियर मिल जाता है। साथ ही सीलिंग का डिज़ाइन आप देखिए, आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मिल जाता है वॉलपेपर के वर्क के साथ। इसकी जो साइड वॉल है इसका वर्क देखिए, यहाँ पर चारकोल शीट वर्क है और कुछ POP का वर्क भी किया गया है। वॉलपेपर का वर्क भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर रहेगा आपका वॉश बेसन एरिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वॉश बेसन जो एरिया है इसको भी थोड़ा सेपरेट लुक दे दिया है इस तरीके से एक पार्टीशन करके, तो ये एक अच्छा लुक क्रिएट कर देता है। यहाँ पर वॉश बेसन एरिया आ जाएगा, लुकिंग मिरर मिल जाता है और नीचे आ जाता है स्टोरेज। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, 6x10 के डायमेंशन में रहेगा। आप देख सकते हैं डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है। यूजुअली हम देखते हैं कि कभी कभी हमें कॉमन वॉशरूम काफ़ी छोटे साइज के मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा साइज मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर्स का जो डिज़ाइन है एक ही लेवल पर रखा गया है, ताकि आपको फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर लिविंग स्पेस मिल जाए और यहाँ से आपको एक वन रूफ का स्पेस मिल जाता है।
स्टेयर्स के नीचे का जो स्पेस है यहाँ पर इस तरीके से कुछ वुडन वर्क किया है और साथ ही में आपको एक स्टोरेज भी दे दिया गया है। और यहाँ पर हो जाती है हमारी मेन एंट्रेंस, आप देख सकते हैं यहाँ से एंटर करते ही सीधे ही आपको यहाँ पर स्टेयर्स का प्रोविजन मिल जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी मॉड्यूलर किचन। तो ये हो जाती है हमारी किचन जिसमें आप देखेंगे वुडन हैवी डोर आपको मिल रहा है, तो आपकी जो किचन है सेपरेट हो जाती है। इसके साइज की बात करेंगे तो 7x15 के डायमेंशन में आपकी किचन रहेगी। एल शेप पे हो जाता है आपका काउंटर टॉप, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बर्नर आ जाएगा, साथ ही चिमनी के लिए फैसिलिटी आपको दे रखी है, चिमनी भी लगाकर दी जाएगी। दोनों साइड में आपको वाइड विंडो यहाँ पर आपको मिल जाती है जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। स्टोरेज आपको यहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज मिल जाता है, ऊपर भी आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे कैबिनेट यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ आ जाता है आपका वेट एरिया, ड्रेनर के साथ में रहेगा और ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पर की गई हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको मिल जाता है आपके फ्रिज के लिए स्पेस। तो ये हो जाती है हमारी मॉड्यूलर किचन। इसके बिल्कुल पास में रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो ये हो जाता है फर्स्ट बेडरूम जो कि रहेगा 12x14 के डायमेंशन में। तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, स्पेस आप देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है, बिल्कुल खुला खुला रहेगा आपका बेडरूम। बेड लगाने के बाद प्रॉपर स्पेस रहेगा। बेड के पीछे का वर्क आप देखिए, वॉलपेपर वर्क रहेगा फुल वॉल पे, साथ ही में इस तरीके से कुछ कुशन वर्क और वुडन वर्क आपको दे दिया गया है। इसके साइड में आपको टेबल मिल जाती है। वेंटिलेशन की बात करें तो इस घर में आपको हर बेडरूम में मिल जाता है बैकयार्ड और एक बालकनी। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है बैकयार्ड, आप देखिए वायर मैश डोर और साथ ही में UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगा। इसकी जो फ्लोरिंग है आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर टाइल्स का यूज़ किया है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में बना रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो दो बड़े साइज की वार्डरोब्स आपको मिल जाती है, यानी कि स्टोरेज भी प्रॉपर बना रहेगा। साथ ही साथ में AC के लिए भी आपको यहाँ पर प्रोविजन दिया है। सीलिंग का डिज़ाइन देखिए आप, डिजाइनर फॉल सीलिंग मिल जाएगी, बीच में कुछ यहाँ पे वॉलपेपर का वर्क भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस रहेगा, 9x6 के डायमेंशन में आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही दो वॉशरूम मिल जाते हैं, आपका कॉमन वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस हो जाएगा और अटैच वॉशरूम भी आपको काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है, वेंटिलेशन भी इसमें प्रॉपर बना रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस विला का प्राइस। तो इस विला का प्राइस रहेगा दोस्तों 1,60,00,000। इस प्राइस में आपको एज इट इज ये विला मिल जाएगा, साथ ही में वेस्ट फेसिंग है और इसी के साथ पे JDA अप्रूव्ड भी है ये प्रोजेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से हो जाती है हमारी स्टेयर्स, स्टील रेलिंग का यूज किया है, साथ ही टफन ग्लास का यूज किया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉपर लिविंग स्पेस मिल जाता है। इसका साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। साथ ही में इसकी जो साइड वॉल है इसका वर्क आप देखें, यहाँ पर इस तरीके से कुछ वुडन पैनलिंग की गई है गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ और प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है इसको और इन्हेंस करने के लिए। सीलिंग डिज़ाइन देखिए आप, डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी कंसील लैम्प के साथ में, और साथ ही साथ आपको इस फ्लोर पर मिल जाता है एक स्टोर रूम भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टोर रूम हो जाता है, आप कैसे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर हमें मिल जाएंगे दो बड़े साइज के बेडरूम्स। तो चलिए हम देख लेते हैं सेकंड बेडरूम। ये हो जाता है हमारा सेकंड बेडरूम जो कि रहेगा 14x15 के डायमेंशन में। काफ़ी स्पेशियस आपका बेडरूम हो जाता है, मास्टर बेडरूम आपका रहेगा। आप खुद देखिए कि बेड लगाने के बाद कितना शानदार स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। बेड के पीछे का वर्क देखिए आप, वॉलपेपर वर्क रहेगा फुल सीलिंग तक और वुडन पैनलिंग की गई है इस तरीके से। दोनों साइड में आपको मिल जाती है टेबल, साथ ही साथ यहाँ पर रहेगा स्टडी टेबल, वुडन स्टडी टेबल आपको मिल जाती है प्रॉपर स्टोरेज के साथ में। ऊपर आपको शेल्फ मिल जाते हैं। तो इसी से आप देख सकते हैं कि हर रूम में एक डिफरेंट इंटीरियर वर्क दिया गया है। साथ ही इस रूम में आपको यहाँ पर मिल जाता है अटैच वॉशरूम जहाँ पर आपको मिल जाएगा सेपरेट ड्रेसिंग एरिया भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेपरेट ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है प्रॉपर स्पेस के साथ में,
दो बड़े साइज के वार्डरोब आपको मिल रहे हैं, फुल सीलिंग तक रहेंगे और इसका जो साइज है 5x10 के डायमेंशन में रहेगा। यहाँ पर आ जाता है आपका वॉशरूम, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर स्पेस आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपकी सीट हो जाती है, वॉश बेसिन एरिया, वेंटिलेशन भी प्रॉपर इसके अंदर बना रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। यहाँ पर आपको मिल जाता है एंटरटेनमेंट के पर्पज से LED पैनल, सनमाइका वर्क के साथ में रहेगा। आप देख सकते हैं नीचे प्रॉपर स्टोरेज आपको मिल जाता है। इसका सीलिंग डिज़ाइन एक बार आप देख लीजिए, डिफरेंट लुक के साथ में एक डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है। AC के लिए फिटिंग आपको इस रूम में भी दी गई है। साथ ही साथ वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ में एक बैकयार्ड आपको मिल जाता है, जिसकी फ्लोरिंग आप देखेंगे तो वुडन टेक्सचर टाइल्स का यूज़ किया है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर आपको एक पूजा स्पेस भी दिया गया है। यह आपका पूजा रूम हो जाता है, जो कि सेपरेट रहेगा वुडन डोर के साथ में। डिज़ाइन आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ में है, तो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है इस विला को। वेंटिलेशन आप देख सकते हैं हर रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिल रहा है, स्पेस आपको हर रूम के अंदर प्रॉपर मिलने वाला है। इतना स्पेस आपको मिल रहा है कि आप कैसे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थर्ड बेडरूम। ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। तो सबसे पहले आप इसकी फ्लोरिंग देखिए दोस्तों, वुडन टेक्सचर टाइल्स का यूज किया गया है, बहुत ही मॉडर्न लुक आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके साइज की मैं बात करूँ तो 13x15 के डायमेंशन में रहेगा। साथ ही में इसका इंटीरियर वर्क आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट लुक के साथ रहेगा। बेड के पीछे का वर्क आप देखिए, यहाँ पर वॉलपेपर का वर्क है, साथ ही साथ में वुडन पैनलिंग यहाँ पर की गई है, लाइटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक टेबल और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाती है स्पेशियस बालकनी। ये आपकी फ्रंट बालकनी रहने वाली है, UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी फ्लोरिंग वुडन टेक्सचर टाइल से की गई है, साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील रेलिंग, टफन ग्लास का यूज किया है और सेफ्टी के पर्पज से यहाँ पर आपको नेट भी लगाकर दिया गया है। तो ये हो जाती है हमारी बालकनी। बात करें एंटरटेनमेंट की तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा LED पैनल, ये भी आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट लुक के साथ रहेगा, वॉल माउंटेड है, नीचे प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीलिंग डिज़ाइन एक बार आप इसका देख लीजिए, बहुत ही प्यारा आपको सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको मिल जाती है एक स्टडी टेबल, इस तरीके से वुडन की रहेगी, प्रॉपर आपको ऊपर शेल्फ मिल जाते हैं। और इस रूम में भी आपको मिल जाता है सेपरेट ड्रेसिंग एरिया और अटैच वॉशरूम। तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाता है, काफी स्पेशियस रहेगा, दो वार्डरोब आपको मिल जाती है फुल सीलिंग तक। और यहाँ पर आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, 6x8 के डायमेंशन में रहेगा। आप देखिए प्रॉपर स्पेस आपको मिल रहा है, वेट एरिया आपका सेपरेट हो जाता है, वेंटिलेशन यहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है और जो फिटिंग्स है यहाँ पे हिंदवेयर की ब्रांडेड फिटिंग्स की गई हैं। तो ये हो जाता है हमारा अटैच वॉशरूम और ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। तो इसका जो रूफ टॉप एरिया है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको स्पेशियस लिविंग स्पेस मिल जाता है। साथ ही में आपका जो रूफ टॉप एरिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो चलिए एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आ जाता है आपका सेकेंड फ्लोर, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप कैसे भी इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक शैंडलियर मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल के साथ में। और इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देखें, यहाँ पर आपको वॉलपेपर का वर्क मिल जाता है सीलिंग में, साथ ही में यहाँ पर आपको मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम। ये आप देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाएगा, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े साइज़ के वॉशरूम भी मिल जाते हैं। और दो साइड में हो जाता है हमारा रूफटॉप एरिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, दोनों साइड आपको रूफटॉप ओपन एरिया मिल जाता है। आप चाहें अपनी फैमिली का कोई छोटा मोटा फंक्शन गैदरिंग्स यहाँ पर इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। लोकेशन जो है काफ़ी रेजिडेंशियल है, आप देख सकते हैं आसपास में काफ़ी लोग रह रहे हैं। और लोकेशन बात करें तो बहुत ही प्राइम है, शेल्बी हॉस्पिटल के बिल्कुल नियर गिरिराज विहार में ये लोकेटेड है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इस विला की प्राइस रहेगी 1,60,00,000,
इस प्राइस में एज इट इज आपको ये विला मिल जाएगा। तो साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। इस प्रोजेक्ट की HD फोटोज़, फ्लोर प्लान और लोकेशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।